नीड वर्सेस स्पीड में हम लोगों ने एक नीड माहौल को समझने की कोशिश की, अपने को इसके लिए तैयार करने की कोशिश की। अब हम लोग स्पीड में हमारा बिजनेस कैसे हम तेजी से चलाएंगे इसके बारे में बात करेंगे। साथियों अब बहुत अच्छी तरीके से आप लोग सुन रहे हैं, बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं, मजा आ रहा है मेरे को। अब हम समझते हैं स्पीड का मायने क्या है। स्पीड, अगर आप जहाज में बैठे हैं तो जहाज में बैठने के टाइम जब जहाज टेक ऑफ हो रहा होता है तो उस टाइम बोला जाता है सबसे ज्यादा अटेंशन चाहिए होती है आपके पायलट की। वहां पर सब चीजें आपको मना कर दी जाती हैं, लैपटॉप का यूज बंद, कंप्यूटर का यूज बंद, मोबाइल का यूज बंद, एरोप्लेन मोड पे लगा लो, लाइटें बंद, ऑक्सीजन सिर्फ चालू रहती है, सब चीजें बंद मोड पे होती हैं जब टेक ऑफ कर रहा होता है जहाज, और सारी इंटेंशन पूरी ऊर्जा और सारी एयर होस्टेस होती है। उस टाइम आप पानी मांगोगे बंद, उस टाइम आप टॉयलेट जाओगे बंद, उस टाइम सारी सुविधाएं बंद हैं क्योंकि आपका एरोप्लेन जो है वो टेक ऑफ कर रहा है, ऊपर जा रहा है। और साथियों अगर आपको अपने बिजनेस को भी टेक ऑफ कराना है तो बाकी की सब चीजें बंद करनी पड़ेंगी, टीवी बंद, लफड़े बंद, परेशानी बंद, तकलीफें बंद, जो भी चीजें हैं वो बंद कर दीजिए, तब आपका बिजनेस टेक ऑफ हो पाएगा। तो कुछ बातें हैं जिससे आपका काम स्पीड में चले, उससे कुछ बातों को देखते हैं। कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाइए, इसी से आपके बिजनेस में एक स्पीड आएगी। मैं आपसे पूछता हूं कि अगर आप एक साल में 10 लोगों को ज्वाइन कराते हैं तो क्या आपका काम बहुत अच्छा चलेगा? नहीं। लेकिन अगर आप एक महीने में 10 लोगों को ज्वाइन कराते हैं तो आपका काम बहुत अच्छा चल सकता है। तो अगर आप सिल्वर हैं, गोल्ड हैं, पर्ल हैं, टोपाज हैं, डायमंड हैं, क्राउन हैं, मैंने भी ये तय किया है कि मैं भी अपनी लिस्ट पे अभी भी और प्रयास करूंगा, लोगों को अपने इन्फ्लुएंस से ज्वाइन कराऊंगा, यानी 10 ज्वाइनिंग कम से कम खुद फॉलो अप करके, खुद प्लान करके मैं अपने नेटवर्क से अभी भी निकालूंगा। यानी मोमेंटम क्रिएट करने के लिए जल्दी जल्दी भर्ती कराना होगा, लोगों को जल्दी जल्दी लाना होगा, प्लानों की संख्या बढ़ानी होगी, कोर की संख्या बढ़ानी होगी, एक्टिव टीम की संख्या बढ़ानी होगी, लोगों को जल्दी जल्दी सिखा के अपने साथ लाना पड़ेगा। 12 लोग अगर आप 12 महीने में लाते हैं तो काम चलने वाला नहीं है, 12 लोग अगर आप एक महीने में लाएंगे तो काम बहुत तेजी से चलेगा। आप अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ढूंढ रहे हैं तो थोड़ा सा यार उनमें क्वालिटी वाले लोगों को ढूंढिए, थोड़ा सा ऐसे लोगों को ढूंढिए जो आके अच्छे तरीके से आपके साथ ना काम कर पाए। किसी को भी मत लाइए, किसी को भी ऑफर मत करिए, किसी पे भी टूट मत पड़िए एकदम। तो मैं आपको जरूर बोलूंगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैसे होने चाहिए आपके, क्योंकि वो पार्टनर बनने वाले हैं आपके साथ, बोर्ड मीटिंग में आगे जाके बैठेंगे तो वो दमदार होने चाहिए, बढ़िया होने चाहिए, मेहनती होने चाहिए, एम्बिशियस होने चाहिए, सारी ट्रिक जो लगा सकते हैं उसमें लगाइए। क्योंकि एक आलू का भरा हुआ ट्रक है मान लीजिए, और आप उसमें से अगर 1 किलो आलू लेने गए हैं तो कैसे कैसे आलू लाएंगे पूरे ट्रक में से? आप बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर गोल मटोल अच्छे अच्छे मोटे मोटे जितने बढ़िया आलू छांट सकते होंगे उतने अच्छे आलू लाएंगे। तो साथियों 135 करोड़ जनसंख्या है यार हिंदुस्तान में, मात्र कुछ पीपल चाहिए, कुछ लोग चाहिए, बढ़िया बढ़िया अच्छे नौकरी वाले, बढ़िया ईमानदार, पढ़े लिखे, जबरदस्त, दमदार, मेहनती, काबिल, एम्बिशियस, सारे लोगों को कोई ना कोई तरीका लगा के ढूंढ के लाइए। कुछ भी भर्ती मत करिए, कुछ भी भर्ती करेंगे आगे जाके वो आपकी पिद्दी पे बैठेंगे, आपके जाके परेशान करेंगे, तकलीफ देंगे और आप मुसीबत में आ जाओगे। ये बात को जरूर ध्यान दीजिए।